एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिताजी जन्म दिलीन एक लोअर मिडिल क्लास में बिलोंग करते थे। मेरा घर एक पक्का मकान था जो रामेश्वरम के मॉस्को स्टेट में था। मैं बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं था, परंतु मेरे पिताजी मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करते थे। 1939 में कलाम जी जब 8 साल के हुए तब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाने के कारण अचानक टर्मरिक सीड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मैं इसे खोज करके बेचा करता था, जिससे मुझे एक आना मतलब 6 पैसे मिलते थे। वर्ल्ड वार के कारण पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो जाता है, जिनके कारण ट्रेन इनके जो शहर रामेश्वरम है उसमें रुकता ही नहीं था, तो ट्रेन से आने वाली न्यूज़पेपर ट्रेन चलते चलते फेंक दिया जाता था। तो इस न्यूज़पेपर को इकट्ठा करने के लिए मेरे कजन शमसुद्दीन को एक हेल्पर की जरूरत थी, जिसके लिए मैं काफी था। कलाम जी बताते हैं जब वह 50 साल के हुए तब भी उनको बहुत खुशी मिलती थी कि वो जब बच्चे थे तब भी कमाते थे। मेरे जितने भी दोस्त को कभी भी मेरे कास्ट को लेकर भेदभाव नहीं करते थे। मेरा एक दोस्त रामेश्वरम के फेमस मंदिर का पुजारी भी था, तब पर भी हम लोग अच्छे दोस्त थे। कलाम जी बताते हैं कि जब वह स्कूल जाते थे तब क्या हुआ था। अरे एक मुस्लिम लड़का हिंदू के साथ बैठा है, कलाम पीछे जाकर बैठो। क्या हुआ सर, यह मेरा दोस्त है, मैं यहीं बैठूंगा। जितना बोला हूँ उतना सुनो, नहीं तो कल से स्कूल आना ही बंद कर दूंगा। कलाम जी और उनका दोस्त यह सब घर में आकर अपने पापा को बोलते हैं स्कूल में अगले दिन। अरे वो टीचर साहब, अपने आप को क्या समझ लिए हैं? क्या हुआ सर, आप बच्चों के बीच में दो धर्मों के खिलाफ जहर क्यों घोल रहे हैं? माफ कीजिएगा सर, मुझे पता चल गया जाति धर्म से कुछ नहीं होता, सिर्फ देशभक्ति होनी चाहिए। कलाम जी बताते मेरे साइंस टीचर सुब्रमण्यन अरियर जो कि ब्राह्मण थे मुझे अपने घर खाने के लिए बुलाते हैं। आओ कलाम बैठो, आज बढ़िया बढ़िया खाना लगाता हूँ। मैं खाना नहीं लगाने वाली, यह कलाम हमारे धर्म का नहीं है। अरे डार्लिंग इतना क्यों सोचती हो, कल यदि यह देश का प्रेसिडेंट बन जाता है तो क्या इस देश में रहना छोड़ दोगी? इतना अच्छा लड़का है क्या ये? मैं ही खाना लगा देता हूँ। मैं तुम्हें बड़ा आदमी बनते देखना चाहता हूँ कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी इस बात से सीरियस लेते हैं और अपने पापा से बोलते हैं, पिताजी मुझे रामनाथपुरम जाना है आगे पढ़ने के लिए, मुझे जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, और सबसे बड़ी बात पिताजी मुझे देश के लिए कुछ करना है। जरूर बेटा जाओ पढ़ो, मैं किसी तरह पैसे का इंतजाम कर दूंगा। कहाँ इतनी दूर कलाम को भेजिएगा जी, अकेले कहाँ जाएगा? देखो आसी अम्मा, कलाम तुम्हारा बेटा जरूर है, परंतु यह देश का बेटा पहले, इसको देश के लिए कुछ करना है। पिताजी आज मुझे लोग इज्जत नहीं देते, परंतु जब मैं साइंटिस्ट बनूंगा, देश का प्रेसिडेंट बनूंगा और लोग मुझे मिसाइल मैन के नाम से जानेंगे, तो मैं तो मन लगा कर पढ़ने वाला हूँ। और आप पढ़ेंगे क्या?